लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। जी जी जी, अरे नहीं भाई, पहले के भी पैसे रह गए हैं आपके, ऐसे कैसे उधार दे दूं मैं आप, मेरी तरफ से ऑर्डर कैंसिल, कैंसिल भाई कैंसिल। बच्चू भाई, मैंने तो ऑर्डर कैंसिल कर दिए। अरे बाबा, फिर ऑर्डर कैंसिल कर दिया है? अरे तुम्हारा क्या होगा, तुमसे नहीं संभलते बाबा, तो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते हो, रोज बुरी खबरें सुनाते हो बाबा, कब अच्छी खबर सुनाओगे बाबा? मैं बच्चू भाई, आपको पता है मार्केट के हालात का, इसमें मेरा क्या कसूर? अरे बाबा मेहनत करो, वो क्या कहते हैं, मार्केटिंग। हाँ बाबा मार्केटिंग करो, बाबा मेहनत करो, मार्केटिंग करो, तुम हर वक्त सिर्फ पैर ही फैला के बैठा रहता है। अरे 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 सेठ साहब, इतने गुस्से में खैरियत तो है और मुंह पे इतनी सिलबट्टी, लोग ऐसे ऐसे हरकत करते ना कि इनको शर्म भी नहीं आती। सही कह रहे हो। अरे बाबा सही क्या हो गया है? मूंगफली लेने के लिए ठेले पे खड़े होते ना, तो 20 रुपए का मूंगफली लेता और 30 रुपए का खड़े खड़े खा जाते। सही सही सही, बिल्कुल सही कह रहे। सिग्नल पे खड़े होते, हरी लाइट पे रुक जाते, लाल लाइट पे जो है ना वो निकल जाते। ये कोई बात करने वाला? ये भी सही कह रहे हो आप। ये जगह लिखा होता ना कचरा फेंकना मना है, वही कचरा फेंकते और फिर एंजॉय कर रहे थे, एंजॉय। बिल्कुल सही पापा जानी, बिल्कुल। हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा, वरना एक इधर से तो दूसरा उधर से, इधर उधर इधर। अरे अरे सेठ साहब, इतना गुस्सा गुस्सा थूक दे आप। अपचू जानी, हमारे लिए एक पिज्जा और एक बर्गर लाने का। अरे नहीं पापा जानी, आपको इस उम्र में ऑयली चीजें नहीं खानी चाहिए। तो क्या खाना चाहिए? छत पे जाए और हवा खाए। पेट कैसे भरने का जी? अरे क्यों बाबा, जब हवा से गुब्बारा भर सकता है तो पेट क्यों नहीं भर सकता? पेट तो मिट्टी से भी भर सकता है ना, अब क्या मैं मिट्टी खाएगा क्या? सेठ साहब, एक ना एक दिन तो सभी ने मिट्टी में जाना। तुम्हारा मतलब है कि एक बोरी मिट्टी लाएगा और अपने सर पे डालेगा? अरे पापा जानी, अब गुस्सा नहीं करें, मैं मंगा देता हूँ पापा, मैं मंगा देता हूँ मिट्टी बाबा। बदतमीज आदमी, मिट्टी मंगा रहा हमारे लिए। अच्छा जानी, मेरा बात गौर से सुनने का। मेरा दोस्त का एक बेटा है, वो यहाँ आ रहा है, बहुत बड़ा शायर है, उसका यह मुशायरा दो दिन इधर ही स्टे करने का। उसका ख्याल ही रखना है ना उसका, टेंशन ना ले आप, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। भाजाई, भाजाई, मेरे को पैसे चाहिए। ओहो, अच्छा कितने चाहिए? ज्यादा नहीं, सिर्फ 50,000 रुपए। 50,000 ज्यादा नहीं होते? भाजाई मैं आपकी मेहमान हूँ, भला क्या मेहमानों के साथ ऐसे करते हैं? बिन बुलाए और मुस्तकिल मेहमान हो तुम। अरे बाबा सीमा, वो 2,000 रुपए देना तुम्हारे बाबा के लिए पिज्जा और जिंगर मंगवाना है। ओ पापा जाने के लिए अभी देती हूँ। देखो दा, मैं कब से ऐसे पैसे मांग रही हूँ, लेकिन मेरे को पैसे नहीं दे रही, और अपने बाबा साईं के लिए के पास बहुत पैसे हैं। अरे बाबा दे दो ना बच्ची को, पैसे मांग रही है तो। बच्चों पूरे 50,000 रुपए मांग रही है ये? 50,000? अरे बाबा 50,000 का क्या करना है, मोटरसाइकिल खरीदनी है क्या? अरे नहीं नहीं अदाब, मैंने सूट लेना है 50,000 का। अरे बाबा सूट लेना है, सूट कैसे चलेगा बाबा, और उसमें पेट्रोल कहाँ डलेगा? अरे बाबा सूट पहनना है, चलाना नहीं, और वैसे भी सूट वाला कैसे चलेगा? बाबा चलेगा ना चलेगा, किराए पर चलता है बाबा, सूट पहना उसके पैसे निकल गए, हर दिन किराए पे चलेगा, 25 दिन के 50,000 बाबा, बाहर उसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन एक बात बता रही हूँ, मुनाफा फिर मैं ही रखूंगी। हाँ बाबा ठीक है, फिर लाओ 52,000 रुपए। 52,000 किस चीज के? अरे बाबा 50,000 रुपए सूट के, बाकी 2,000 रुपए पिज्जा और जिंगर के। ओ ओके ओके ओके, देखो मिस्टर जानी, क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा, पौधों को नहला रहा हूँ। तुम तो पौधों को ऐसे नहला रहे हो जैसे बच्चों को नहला रहे। हाय बच्चे ही तो है मेरे, मासूम से प्यारे प्यारे से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कागज के फूल से कभी खुशबू नहीं आती, कागज के फूल से कभी खुशबू नहीं आती,
सालन के साथ मजा करती है चपाती। भाई माफ करो, अभी घर में खाना पका नहीं है। आप शायद मुझे फकीर समझ रहे हैं, गलत समझ रहे हैं, गलत समझ रहे हैं। अरे बाबा कहा ना कुछ नहीं बना, जाके कहीं और मांगो। जी भाई एक बात बताओ, अंदर कैसे आए तुम? मेरे यहाँ आने से आपका मुंह फूला हुआ है, मेरे यहाँ आने से आपका मुंह फूला हुआ है। जरा गौर से देखिए, दरवाजा खुला हुआ है। किसने खोला भाई दरवाजा? अरे बाबा दरवाजा तो खुला है, पर घर में तुम घुस के क्यों आ गए? गुलाब की कली को रोज सुबह खिलना है, गुलाब की कली को रोज सुबह खिलना है, मुझे यहाँ सेठ हशमत से मिलना है। अरे आप वो शायर तो नहीं जो सेठ हशमत के दोस्त के बेटे? जी हाँ, मैं उनका भी दोस्त हूँ, वो उनका गोश्त हूँ। वैसे माफ कीजिएगा, आपकी शायरी बहुत घटिया निकली। इस हसीन चेहरे का जवाब नहीं कहीं। अरे भाई देखो देखो, देख रहा हूँ यार, देख रहा हूँ। इस हसीन चेहरे का जवाब नहीं कहीं। बाबा 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 आगे आगे। शेर थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो आपको कह रहा हूँ। होती कोई बदतमीज हो तुम वैसे। माफ कीजिएगा, सेठ हशमत अंदर इंतजार कर रहे हैं आपका, आइए अंदर तशरीफ ले चलते हैं। मेरे दिल में जलते हैं उनकी यादों के दीप, मेरे दिल में जलते हैं उनके यादों के दीप। हटो बचो, पीप पीप पीप। क्या है ये? खाने को कुछ ढूंढ रहे, खाने को। बहुत भूख लग रही है आपको? बहुत लगे, बहुत। ओहो आप हटे, मैं देखती हूँ शायद केक पड़ा होगा, केक खा लें पापा। केक क्यों खाएगा जी, पेट में चूहा दौड़ रहा है, केक तो खुद ही वो खा जाएगा ना। ओ कैसी बातें कर रहे हैं आप। अच्छा पापा जानी ये बताएं कि आप पिज्जा खाएंगे मिर्चों वाला या सादा? सादा मंगाने का, मिर्च तो वैसे ही लगी हुई है जी। अच्छा बाबा अभी ऑर्डर कर देता हूँ। अभी तक तो मैंने ऑर्डर ही नहीं किया जी। ऑर्डर तो कर दिया है। फिर क्यों पूछ रहे? आपका ऑर्डर अब दूंगा, अपना मैंने पहले ऑर्डर दिया था। ये इज्जत हो रहा मेरा इस घर में। सॉरी पापा, बच्चों क्यों तंग कर रहे तुम पापा को? अरे बाबा मैं कब तंग कर रहा हूँ, मैं तो खिदमत कर रहा हूँ। ऐसा इज्जत मेरे को नहीं चाहिए जी, घर में खाने तक को कुछ नहीं ना जी। अरे पापा जानी मैं क्या करूँ, जानी ने कुछ बनाया नहीं है, जानी को गालियाँ दो बाबा। जानी को तो मैं भी खुद देखती हूँ, क्यों नहीं पकाया उसने भी देखने पापा, मैं उसको जानी। शर्म आना चाहिए तुम। पंजाब से सिंध तक की सैर हो गई, पंजाब से सिंध तक की सैर हो गई, हमें यहाँ पर आए हुए काफी देर हो गई। वही शायरी के अंदर में बात करना, बिल्कुल अपने बाप की तरह है ना। क्या करें, बंदर घास खाना भूल सकता है, घोड़ा कलाबाजी लगाना भूल सकता है, मछली का बच्चा भागना भूल सकता है, लेकिन मैं शायरी नहीं भूल सकता। बात तो तुमने ठीक बोला, लेकिन मिसालें सारा गलत। क्या करूं, शायर हूं, कवाल थोड़ी ना हूं। कवाल का मिसाल से क्या ताल्लुक है? बस दिमाग उलट गया, शायरी ने मुझे बुरी तरह से जकड़ लिया। अरे अरे सेठ साहब, यही है ना शायर के बेटे, मैंने इनका बड़ा ख्याल रखा है। हैं? अरे हमें मिले हुए तो कुछ ही मिनट हुए। क्यों, मैंने हर शेर के ऊपर वाह वाह नहीं की, हालांकि वो शेर थे। फिर क्या थे? गीदड़ थे, गीदड़। तो क्या फजूल बात कर रहे हैं? वाह हम फजूल बात कर रहे हैं, तू तो जैसे कालम लिख रहा है ना अखबारों में। जानी जाओ इनके लिए चाय लेके आओ। वाह वाह क्या शेर का, वाह। शेर नहीं, मैंने ऑर्डर किया है। ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा था, वाह। लगता है आपके नौकर का दिमाग खराब है। वाह ये सुना हुआ है। तुम जा रहे है या फिर है? या फिर क्या, शेर सुनवाएगा? सुनो सुनो भाई, इरशाद किया है। इरशाद को रहने दे घर पे, मैं जा रहा हूँ, मैं चाय लेके आ रहा हूँ। अरे सुन, मैं ले थोड़ा सुना दे। हाँ हाँ बाबा। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, हाँ हाँ भाई अब तो सही आ रहा है, अब तो सही आ रहा है, ठीक है।
यार सही कर दो तो फिर थोड़े दिन बाद खराब हो जाए। अरे भाई फिक्र नहीं करो, अब बिल्कुल सही आएगी, समझे? लेकिन तुम जो है ना वो इधर उधर की बातें छोड़ो, पूरा महीना हो चुका है बल्कि 5 दिन ऊपर हो गए, लेकिन आपके केबल के पैसे तो अभी तक नहीं आए। क्या करें, आजकल ट्रेन ही लेट हो रही है। तो केबल के पैसे ट्रेन में आ रहे हैं। मेरा कजन गांव से लेके आ रहा है। वो पैसे क्यों ला रहा है, केबल तो आपके घर में लगा हुआ है। देखता तो वो है ना, वो गांव में बैठकर यहां का केबल कैसे देख लेता है? बस मैं व्हाट्सएप के ऊपर कैमरा ऑन कर देता हूं और टीवी की तरफ रख देता हूं, देखता रहता है। तो उसके घर में टीवी नहीं है क्या? टीवी तो है, बिजली नहीं है। अरे तो जब बिजली ही नहीं है तो फिर टीवी का क्या करता है वो? असल में टीवी जो है ना वो भैंसों के आगे रख देते हैं, वो देखती रहती है। भैंसे बंद टीवी देखती रहती? हाँ, खोल देना तो दूध नहीं देती। दूध नहीं देती वो? यार आप ना मुझको बातों में मत उलझाओ, पैसे दो पैसे। अबे यार अभी तो काम शुरू किया, मुनाफा जैसे ही होता ना मैं आपके पैसे दे दूंगा। कौन सा काम? बुटीक का। और अगर भाभी के लिए सूट वूट चाहिए तो ले जाना। भाभी के लिए मेरा भाई खुद ही ले लेगा, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लूंगा। अबे गर्लफ्रेंड के लिए तो फिर फ्री ले जा रहा तू मुझसे? क्यों? अब गरीबों की मदद करके मुझे बड़ा मजा आता। ओ भाई वो बहुत अमीर है, बहुत। चल बे चल, रहने दे। ओ अल्लाह की कसम बहुत अमीर है वो। वाकई? हाँ ना। अच्छा तू एक काम कर, मेरे केबल के पैसे दे देगी वो? लो। क्यों नहीं दे सकती वो? तो मैं ऐसे नहीं मानूंगा, पहले लाके दिखा। अभी लाके दिखाता हूँ मैं, पक्का। हाँ अभी अभी भी लाएगा। चल देखते हैं, देखते हैं भाई तेरी। हाँ कितनी बुरी बातें, किसी के कमरे में बगैर इजाजत आ जाना। माफ कीजिएगा गलती हो गई, माफ कीजिएगा गलती हो गई, दरअसल मेरी एक कीमती चीज खो गई। ये हर बात भला आप शायरी में क्यों करते हैं? जिस तरह जरूरत होती है डॉक्टर को डायरी की, जिस तरह जरूरत होती है डॉक्टर को डायरी की, उसी तरह मुझे आदत है शायरी की। वाह साई वाह 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 वाह। शादी हो गई आपकी? नहीं तो क्यों बाबा? क्योंकि तेरे चेहरे पे हसीन नजारे हैं, क्योंकि तेरे चेहरे पे हसीन नजारे हैं, खुदा की कसम हम अभी तक कुंवारे हैं। तो कर लो बाबा शादी, किसने रोका है? अरे बाबा हम आपको वहां पूरे घर में ढूंढ रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं। आप, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे बाबा मैं इस घर का मालिक सेठ हशमत का अकलौता दामाद। ओ अच्छा, बड़ी बात है। हाँ बाबा आप वही हो ना, शायर है ना शायर बाबा? हाँ जी हाँ, शायरी मेरा काम है, गालिब मेरा नाम है। अदा कब से उल्टे सीधे शेर सुना सुना कर मेरे को मुतासर करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा? अरे बाबा सुनो, हमें पता है कि शायर जो होते हैं ना वो आशिक मिजाज होते हैं, लेकिन बाबा जरीना जो है ना मेरी बहन है, जरा एहतियात कीजिए। एहतियात कीजिएगा? मैं क्या मजदा चला रहा हूँ, मैं तो इन्हें शेर सुना रहा हूँ। अरे बाबा ये शेर जो है ना मुशायरे में सुनाइएगा, ये घर है। दरअसल आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अच्छा बाबा तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? दरअसल मैं पतली पिन का चार्जर ढूंढने आया था। मिल जाएगा बाबा, मिल जाएगा, अभी हम देता है, सब चार्ज करेगा तुम्हारा सब। ये कहाँ गया, इसको बुला के लाड़ी पीछे पीछे आनी आ रहा जी मैडम, आप बुलाया मुझे? हाँ जानी, वो मुझे ना एक बात पता चली है, पापा बता रहे थे की जो हालिब है ना ये कुम्हारा है। तो मैं क्या करूं? ओहो हम एक काम करते हैं ना, हम जरीना का इससे रिश्ता करवा देते। हाँ लेकिन जरीना मान जाएगी? कोशिश तो करूं ना। क्या मीटिंग चल रहा है, खुफिया मीटिंग हो रहा जी? वो पापा जरीना कह रही थी कि वो ना खालिद से शादी करना चाहती है। किसने कहा? किसने कहा, किसने कहा? जरीना ने कहा। बच्चों को पता है? नहीं पापा बच्चों को तो नहीं पता, आप कोशिश कीजिएगा उसे पता भी ना चले। मैं जाके गालिब से बात करता है, ठीक है ना? अभी जाता मैं। ओके पापा। ये सीमा मैम आपने झूठ क्यों बोला? देखो जो झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जाए उसे झूठ नहीं कहा जाता। कौन सा चैनल लग गया, कौन सी भलाई इसमें? अब हमारी देखो चैनल हमारी से जान जुड़ जाएगी। आइडिया अच्छा वैसे, लेकिन बच्चों भी मानेंगे? अरे वो तुम मुझ पे छोड़। अच्छा अच्छा, और जरीना? वो उसको तुम मनाओ। हाँ मुश्किल है लेकिन चलो मैं करता हूँ। प्लान काम कर गया तो बल्ले ही बल्ले, आई बड़ी मेहमान।
बाबा एक शेर अर्ज किया है, हमारा अपना है। क्या बात कर रहे हो, अपना शेर है? अरे सुनाओ। चांदनी रोशनी करती है। अरे वाह वाह। हाँ बाबा, चांदनी रोशनी करती है, बादल बारिश बरसाते हैं। चांदनी रोशनी करती है और बादल बारिश बरसाते हैं। आगे। चांदनी रोशनी करती है, बादल बारिश बरसाते हैं, हवा मट्टी उड़ाती है और आग लकड़ी जलाती है। ये भी कोई शेर है? क्यों बाबा, इसमें गलत क्या है? सारी बातें तो ठीक है। अरे बातें सही हैं, पर शेर ठीक नहीं है। बाबा एक ही शेर में भी सुनाऊंगी। अरे सुनाओ। अर्ज किया है, हाथों की उंगलियां। हाथों की उंगलियां। हाथों की उंगलियां बाबा। बाबा हाथों की उंगलियां, पैरों के घुटने। हाथों की उंगलियां, पैरों के घुटने। हाथों की उंगलियां, पैरों के घुटने, काम ना करे तो समझो मसला है। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अरे बाबा एक मिनट, क्या बात है, क्या बात है? हमारा शेर अच्छा नहीं है, इसका शेर क्या बात है? अरे तुम समझे नहीं, इसके शेर में दर्द है। दर्द? कैसा दर्द? सर का दर्द। हाँ बाबा ये सही कहा तुमने, सर का दर्द है। गालिब बेटा, तुम्हारा प्रोग्राम कब है? मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है, आप लड़की से पूछ ले। बदमाशी करता है तुम? बदमाशी? हाँ मुशायरे का बात करता है। अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा, मुझे लगा कि आप लोगों को मैं पसंद आ गया हूँ। क्यों भला, क्या तुमने कोई गोल्ड मेडल जीता है? बच्चू जरीना की शादी के बारे में सोचा? नहीं तो पापा जानी, मेरे साथ आने को। जी पापा जानी, चले चले पापा। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। बताओ इसमें बुराई क्या है? अरे पापा जानी इसमें अच्छा ही क्या है? मेरे बात मानने का, हाँ करने का। पापा जानी शायरों की कोई कमाई नहीं होती पापा जानी, वो जरीना तो भूखी मर जाएगी, वो वैसे ही इतना खाती है। गालिब को कमाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पैसे वाला बंदा ना। हाँ सेठ साहब सही कह रहे हैं, ऐसे भी उसे दोबारा कहाँ मिलते हैं? अरे बाबा जरीना को पता चल गया ना तो ऐसा शायर फिर नहीं मिलेगा। तो क्या जरीना कभी शादी नहीं करेगी? अरे बाबा करेगी, मुझे पूछने तो दो जरीना से। सबर करो बाबा, मैं पूछता। सेठ साहब हाँ, अगर ये रिश्ता हो गया ना हाँ, जो बोलेंगे वो मैं खिलाऊंगा। पहले जो मैंने बोला था जिंगर और बर्गर का, वो जो तुमने खिलाया नहीं है, मतलब वो तो गालिब खा गया। सेमा, ओ सेमा। मेरी तो आजकल कोई सुनी नहीं रहा यार। कैसी हो लैला, तुम्हारी तबीयत कैसी है भला? इस्लामाबाद से कब आई? बस क्या बताऊं, मजबूरी में आना पड़ा, बहुत बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ। कैसा धोखा? अरे जिससे शादी की थी वो पहले से ही शादीशुदा निकला। तो फिर? फिर क्या, छोड़ दिया उसको। करता भला क्या था? कुछ नहीं करता था, दिन रात शेरो शायरी करता था, झूठ बोलता था। आज मेरा यहाँ प्रोग्राम है, आज मेरा वहाँ प्रोग्राम है। अरे बाबा एक शायर तो हमारे घर में भी आया हुआ है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जरा बच के रहना इन शायरों से, ये ना लड़कियों को मुतासिर करते हैं शायरी कर करके, उसके बाद शादी की ऑफर करते हैं। गालिब ने भी मेरे साथ यही किया था। कौन गालिब? अरे वही मेरा पुराना शौहर। अरे बाबा हमारे घर में भी एक जो शायर आया हुआ है उसका नाम भी गालिब है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही गालिब हो? रुको मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखो उसकी तस्वीर। यही है वो? अरे हाँ बाबा यही है। अरे बाबा जरीना। अरे ये कौन है जरीना? अदा ये मेरी दोस्त इस्लामाबाद से आई है लेला। चलो अच्छी बात है बाबा, अच्छे मौके पर आई है बाबा, हमने तुम्हारी शादी भी तय कर दी है। किससे? अरे बाबा वो शायर नहीं है, गालिब, उससे। अदा तुम्हारा दिमाग खराब है, वो धोखेबाज है, ये लेला है ना उसकी बीबी है। अरे बाबा क्या बात कर रही है जरीना? अरे यही कह रही हूँ कि मैंने उसको इसलिए छोड़ा कि वो पहले से शादीशुदा था। अरे बाबा पहले से शादीशुदा था, इसने छोड़ा उसके बाद तेरे से शादी करे? अरे बाबा इसने क्या बीवियों की कमेटियां डालनी है? आओ इसको सही करते हैं बाबा, आ जाओ बाबा, इसको देखते हैं आज इसकी। वो इंसान भी दुनिया में क्या नसीब लेके आया है, आया था मुशायरा अटेंड करने और अब तो मुझे लगता है वलीमा करके ही जाएगा। देखा जी मैं बोलता था ना कि एक न एक दिन मैं तुम्हारी शादी जरूर कराने का। ये मेरा दिल है कि मेरे ट्रक के जहेज का सामान जाए। एक मिनट रुक जाओ,
पहले जरीना तो मान जाए। अरे मान जाएगी बच्चू भाई गए। अरे आ गए बच्चू भाई। माशाल्लाह तुम दोनों के चेहरे को देख के ऐसा लगता है कि कार्ड छपवा ही लेने का। हाँ बाबा छपवा दो कार्ड तो छपवा दो। भाई छपवा तो दूं लेकिन उसमें लिखवाना क्या है? अरे बाबा उस पर लिखवाना है कि बच्चू की बहन जरीना के हाथ से एक शायर का कत्ल। कत्ल? मैं समझा नहीं। अरे बाबा मैं समझाती हूँ, रुको मैं बताती हूँ। लेला ओ लेला इधर आओ बाबा। आप? जी मैं। आप एक दूसरे को जानते क्या? अरे बाबा जानते नहीं है पहचानते हैं। देखो शादी की बात अभी तय हुई और मेहमान आना शुरू हो गए। मोहतरमा कौन है आप? मैं इनकी बीवी थी। थी? माशाल्लाह 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 नहीं अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये तो मुझसे धोखेबाज शादी करना चाहता था। तीन तीन शादियां पहले से ही कर चुका है ये। इतना बड़ा धोखा? अंकल जल्दी कीजिए ना, वो मुझे शो में जाना है। शो तो तुम्हारा शुरू कर ही देंगे, पहले ये शो तो खत्म करने कर दी। कौन सा शो अंकल? वो ही शो जिसमें मेरी बेइज्जती और तुम्हारा बदनामी हुआ। तुम इसकी बीवी थी? शाबाश थी थी था तक दिन था तई तक के दिन था तई। तुम्हें भी मेरे पापा को तो बुरा भला नहीं कहना चाहिए था। इसका मतलब है कि आप हमसे बाप बाप खेल रही है? हाँ खून का बदला खून तो बाप का बदला बाप। ओहो साधु की क्या जरूरत है, सीडीज ले आए और सुन सुन के सीखती रहे। नहीं 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 मैंने सुन सुन के नहीं सीखना, मैंने उस्ताद को देख कर सीखना है। अरे बाबा देख के गाना नहीं सीखते, देख कर तो इंजन खोलते हैं। अगर ये कान ना होते ना तो ऐसा लगता है जैसे सुराई उल्टी पड़ी हुई है। अरे बाबा अगर कान ना होते ना तो बिल्कुल गधे लगते। वैसे एक बात बताऊं, गधे के भी कान होते हैं। वो दिख रहा हाँ, है? हाय है तेरे घर पे तो कुछ दिखड़दाक दिखड़दाक दिखड़दा। अरे बाबा खबरदार हमारे घर में किसी चीज को हाथ लगाया, चोर है क्या? सब चीजें गिन के रखी हमने। सानू नहर वाले पुल ते बुला के। वाह वाह क्या आवाज है आपकी, आप तो मुझे खानदानी मिरासी लग रही है। धगड़दा धगड़दा। अरे पापा हम मिरासी नहीं तिरासी हैं, अदा बचू चुरासी जानी पिचासी और मेरी भाजाई डायरेक्ट नवासी। इम्प्रोवाइज़ी नहीं मतलब क्या है बट्टा सट्टा, जोनो कर वो जाकर भी अंदर भी है बाहर भी। नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा